अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह ताला आपको हमें अपने जमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। तो सबसे पहले मैं उनके कमेंट पढ़ूंगी जिन्होंने कहा मेरी वालदा सब्र नहीं, और अब जब दुआ देती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो बेटे जो बड़े होते हैं ना, वो जब दुआ देते हैं वो सबके लिए दुआ होती है, अल्लाह ताला सबके लिए कबूल मंजूर फरमाए। और उस दुआ का फ़ायदा नहीं है जिसमें कोई गैर ना शामिल हो, सबके लिए दुआ करनी चाहिए, फिर ही कबूलियत का शर्फ हासिल होता है। बल्कि मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी के लिए दुआ मांग रहे होते हैं ना, तो फरिश्ते आपकी दुआ के, मतलब जब हम दुआ कर रहे होते तो सात फरिश्ते आमीन कर रहे होते। तो जी अभी किसी का कलेजा मुँह को आ जाएगा जी, अभी तो बात ना करें जी, फिर कलेजा मुँह को बिल्कुल वही ना, मुझे समझ नहीं आई मेरा घर देख के कलेजा मुँह को आया कि मेरी सच्ची बात सुन के कलेजा मुँह को आया। अल्लाह ताला आपके कलेजे को सुकून दे, आपको तंदरुस्ती वाली सुकून वाली लंबी जिंदगी दे, और सच सुनने की तौफीक दे। तो जी आपने सही कहा है कि वो महविश के मेहमान थे, अम्मा जी के मेहमान थे, क्योंकि वो उन्हें मिलने आए थे। लेकिन नहीं, महविश को खुद रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी अपनी वालदैन की, या अब्बास को करना चाहिए थे। देखें वो अब्बास की वजह से उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अच्छे अच्छे खाने, क्योंकि वो भी दिखाते हैं ये भी दिखाते हैं, या ये लोग छुपा लें तो या वो छुपा लें, फिर ही बंदे का भरम रह सकता है ना। जब सारा कुछ दिखा देंगे तो फिर तो भरम नहीं ना रहता। तो आज मैं आपको प्लीज़ माफ़ कर दें, आज मैं आपको अपने फैमिली का किसी कहानी कोई नहीं सुनाऊंगी, आज मैं आपको इनकी वीडियो की बातें सुनाऊंगी। अगर आपको फिर भी बुरी लगे तो कोई बात नहीं, फिर हाँ वीडियो ना देखिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप चुप करके ना अगले किसी चैनल पर चले जाइएगा। तो आज जो हरकत की है, क्या अच्छी हरकत की अपनी बेटियों के लिए, उम्रे से मतलब जब इनके बाबा जान आए हैं तो खद्दर के सूट मंगवाए हैं, तो बहू के लिए भी खद्दर के ही ले आते हैं, खद्दर खद्दर के लिए, खद्दर के नाल है क्या आते हैं, लीलन कुछ लीलन भी आज का जो भी लोन ले आते हैं। तो नीचे कमेंट देखे थे उनकी वीडियोस पे के, मतलब के हम लोग तो सिर्फ वीडियो बनाते हैं ना, तो नीचे कमेंट कितने आ रहे थे कि खुद कमाने वाली माँ जी, और बल्कि माँ जी को इस बार कुछ भी नहीं मिला, निकाल परिक्रमा मेरी बात समझ आई, वो कह रही 1900 ढूंढ के सूट निकाली पेटी से। तो जी बच्चे भी जहेज नहीं लेते इस तरह के, उनको भी माए कहे ना तो अगले कहते नहीं जी हले साढ़ा जहेज ना बनाना, जब साड़ियाँ शादियाँ होनी ना देख लेना की माहौल चल रहा है। मैं अपने घर की नहीं स्वागत बात कर रही, मैं एक आम रूटीन की बात कर रही हूँ कि बच्चे बच्चे इतने बाशऊर हैं, इतने समझदार हैं, तो उधर से खुद देख लें मेरा कि अब नहीं मिला दे पाक की भी शॉपिंग शुरू होगी, और खद्दर के सूटों के साथ नवरापा के साथ जाके तो इतने खूबसूरत लैसे खरीदी जा रही सारा कुछ। तो जी किसने कमेंट किया था कि अलवीर ने 3 बार कहा कि ये सिल्वर बटन आपा जी की वजह से मिला, तो जी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया आपा जी को। अलवीर ने बेचारे ने खराजे तहसीन पेश कर ही दिता आपस नवरा नु, चलो बड़ी मेहरबानी, जाके उनको ना थोड़ी देर बाद सजा भी मिलेगी, उनको मालिश करवानी पड़ेगी उनको बड़ी पिटाई लगाएगी। हाँ जी, तो सच सुनने की ना थोड़ी सी ताकत रखा करें, कोई बात नहीं, हम भी एक वीडियो बना रहे हैं, हम कौन सा किसी को सजा दे रहे होते, बात होती है वो जो दिखा रहे होते उसमें से एक पॉइंट होते हैं, वो तो खुद बड़ी उंगलियाँ कर कर के तो सबको कह रहे थे, जब कमेंट आए हुए थे तो काफ़ी उस पर वावेला मचा हुआ था, और नीचे कमेंट आया हुआ था कि मेरा को बड़ी तकलीफ हो रही है कमेंटों से। देखे जी जो आपको देख रहे हैं उनकी मर्जी है, आपने मुझे भी इतना लंबा कमेंट किया, मैं आपका क्या बिगाड़ सकी, कुछ भी नहीं, मैं ये कहूँगी आप ना देखो, वो भी ये कह दें कि भी हमें ना देखो, तो लेकिन जो दिख रहा होता है ना उस पर बात होती है। और फिर आप लोग खुद कहते हैं कि हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, भी हम लोग भी कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, बता दिया ना हमने आपका क्या बिगाड़ लिया, कुछ भी नहीं, तो वो भी मांगते हैं, उनको भी हम लोगों ने बता देते हैं तो वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, या कमेंट करने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सबसे ऐसी बात है ना। हाँ जी, हमारा तो फिर भी चैनल है। हाँ जी, और जो उनको वीडियो के नीचे कमेंट आए हुए थे सब लोगों ने कहा था बहुत ज्यादा कि
बहू के लिए भी आ जाते ना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बेटियों के लिए अच्छे अच्छे सूट आ गए। और मामा उनका तो अब्बा जी करके आए थे ना, उनका तो बेटियों के लिए चीजें आ गई तो वो तो खुद सिला नहा के आई थी। हाँ जी, तो उनके भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए थे। तो उधर मतलब सुमेरा ने कहा मैंने सूट नहीं लेना, मैंने पैसे ले लेने हैं, तो ये भी जिस तरह सबने पैसे दिए है ना, बल्कि ये कह रहे थे हमने एक जानवर देना, अब देखते हैं वो जानवर कौन सा है, लेकिन सबने 5,000 रुपया दे दिया। जो 2025 में पैदा होगा ना वो जानवर देना। हाँ अभी कह रहे थे न्यू बेबी की आमद है, अब देखें वो आता है कि आ चुका है। तो उधर माशाल्लाह से इतनी शॉपिंग कर रही है, अब दोबारा फिर जो मेरा है तो अभी माशाल्लाह से मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा से वो करके आई हैं शॉपिंग, तो काफ़ी चीज़ें लेके आई हैं, लेकिन इधर आके फिर वो नए सूट सिलवाए जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो महविश को भी ऐसे ही सीजन के सूट चलते हैं आजकल, रेशमी सूट कौन पहनता है, वो भी शादियों में होता है या मतलब वो भी इस तरह के सूट, ये जो सूट दिखाए थे ना उनको देख, उस सूट को देख के ना मुझे कोई ये कोई बात याद आ रही है। आपको भी दिया मुझे किसी ने ना वैसे तो मतलब कोई सासी ऐसी होती है जो ऐसे सूट दे देती है ना, तो अगला बंदा चाहे पहने ना पहने। अब पता नहीं महविश को कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि वो तो 7,000 का सूट लेके आई है लोन के, उसकी अम्मी जान ने उसको लेके दिए। तो देखे जी ये ख्वाहिशात को हमेशा वालदैन ही पूरा करते हैं, बाकी कोई भी नहीं है ऐसा रिश्ता जो अगर वो उनके पास जो था फिर उन्होंने वही देना था, क्योंकि मेरा ने पहले कह दिया था कि ये अब्बा जान की इस महीने की कमाई है, क्योंकि अब्बा जान ने चैनल चलाया, लेकिन चैनल इसने कुछ चलाया तो चौक के चलाया है ना। तो नीचे बल्कि कमेंट आए हुए थे जितनी आसिया तारीफ कर रही थी, आसिया क्या कर सकती थी, वो बेचारी ये तो नहीं कह सकती थी कि फूफा जी नहीं अच्छे सूट नहीं है। तो नीचे कमेंट आए पढ़ लीजिएगा जाके अगर डिलीट ना किए तो, कि आसिया को बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो एक आसिया सिला एक इनकी अम्मी जान सिला ले, रेड कह रहे थे सिला ले आसिया और बिल्लू सिला ले अम्मी जान, यकीन करें मैंने ये कमेंट पढ़े और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना। देखिए आप कभी कुछ व्यूवर्स को कुछ नहीं कह सकते, अब उनकी मर्जी है, तो क्या ही भला होता कि इनकी वालदा साहब देखे वो कितने प्यारे कपड़े लेके आई है। तो फिर मैं अगर यहाँ कहूँगी कि उनकी अम्मी जान भी पेटी से निकाल के दे देती, महविश को नहीं ले देती ना, तो पेटी से निकाल के अब्बा जी के लिए और अम्मा जी के लिए पेटी से निकाल के अपने फिर इनको बुरा लग जाना है। तो उधर जी मतलब कि बहुएं बेचारी क्या कर सकती हैं, जब महविश को कहा गया था कि तुम ये कपड़े पहनाओ इसको, जो इस पर पिट रही थी अब इनमा, फिर वो जाए नमाज और थोड़ी सी चीज़ें लेके थोड़ी सी जुड़े लेके और खुश हो गई है कि किस्मत वालों को ये चीज़ें मिलती है। तो जी ए तेरी जलालत भी इन्होंने की सी जिन्होंने तनु किस्मत वाले समझ के खजूरें भी भेजिया ने, तनु जाय नमाज भी भेजी है, फिर बात आपको बुरा लग जाना है। मुझे तो काफ़ी लोगों ने जाय नमाजें दी, खूबसूरत, हाँ जी इतनी खूबसूरत जाय नमाजें लोगों को गिफ्ट दे देते हैं, इतनी खूबसूरत तस्वीरें, चलो मुझे किसी ने नहीं भी दी होगी तो नहीं होंगी चलो उनको फिर बुरा लग जाएगा, हो सकता फिर कलेजा मुँह को आ गया तो मुझे दुख हो गया मेरी वजह से उन्हें तकलीफ हुई है। तो देखिए जी लोगों को भी दे देते हैं। तो उधर सभा अहमद इन्होंने तो फिर प्यारी बहुत खूबसूरत जाय नमाजें ली, उधर सभा अहमद वालों ने तो बिल्कुल 8 रियाल की खरीदी और उन्होंने खरीदी ज़्यादा, वो कह रहे थे हमने 2 दर्जन लेनी है, नहीं जो देने वाले की मर्जी है वो क्या देता है, किसी जितनी किसी की इस्तेतात होती है उसने उसी तरह से देना होता है। तो अब वो बेचारी है जो उसको कहा जा रहा था कि तू जरा इन्हों लहंगे शहंगे पो अपनियाँ चूड़ियाँ जुतियाँ सारा कुछ, तो आसिया बेचारी तो सिर्फ हाँ में हाँ मिला रही थी ना कि हाँ सूट पे आ रहे हैं। और उस बीच वो क्या कर सकते हैं, आपको याद नहीं आज से 2-2.5 साल तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब उसने अपना सिर्फ अपने घर की खातिर बोले थे और उसको महीना घर से निकाल दिया था। निकाल दिया गया था। तो अब माशाल्लाह उसकी 3 बेटी और 1 बेटा, तो 4 बच्चों के साथ वो कैसे जा सकती, तो उसने तो फिर यही कहना ना कि चलो पप्पा जी 2 और कटो तो मुझे नहीं लगता उसको तो कुछ दिया भी है कि नहीं, उसकी बेटी को ही थोड़ा बहुत जो दे दिया तो चलो जी, इधर तो व्यम बनता था ना देना जो पुराने सूट दिए, अब देखते हैं अगर हो सकता है हमारी वीडियो पहुंचे और वो अच्छे सूट रहे हैं खरीद के दे दें जो सर्दियों के हैं, या अगर आगे जो भी अब सर्दियाँ ही आएंगी तो गर्म ही सूट होंगे, तो देखिएगा कि अल्लाह करे महविश को अच्छे अच्छे सूट मिल जाए, जैसे आज वो मेरा दिखा के लैसे लगा रही थी और सारा कुछ वहाँ देख रही थी, तो इस तरह के
बेटियां समझा देती हैं माओ को कि अम्मी जान ऐसा ना करें, या जिस तरह यहाँ पे बेटियां कह रही अम्मी जी सब तो थले सूट नहीं है वो देना, जरा किसी को पसंद नहीं आया वही कट के दे रही हो। तो फिर यही होता है कि फिर ऐसे वीडियोस बनती हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।